से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में बाढ़ से तबाही मच गई। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है और जिले के लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इस त्रासदी में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं 5 लोग अभी भी लापता है। इस त्रासदी के बीच में लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाली एनडीआरएफ टीम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा टीम में शामिल 4 लोगों को फॉर लाइफ सेविंग अवार्ड देने की घोषणा की गई। डीएम खीरी अखिलेश चौरसिया ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने जिले के 550 लोगों की जान बचाई है, वहीं 2000 से ज्यादा फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और इस मौके पर हमारे संवाददाता आमिर रजा ने एनडीआरएफ कमांडर और जिलाधिकारी अखिलेश चौरसिया से खास बातचीत करी, वो भी आपको सुनाते हैं। 19 अक्टूबर को जो एक तबाही लखीमपुर की तरफ बढ़ी, तो उसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट रहा। उसके बाद हमारे बीच में आप देखिए जिस तरीके से लखीमपुर के अंदर 5.5 लाख क्यूसेक पानी आया और जिसने लखीमपुर के हजारों गांवों को अपने आगोश में लिया, लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए, लोग फंस गए, नाव पलट गई, तमाम तरीके की तबाही है। ऐसे में एक एनडीआरएफ एक यहाँ पर एक उम्मीद की नजर किरण के तौर पर आई है। उसने न सिर्फ यहाँ पर लगभग 550 लोगों की जान बचाई, तमाम वो राहत काम किए जिसके लिए एनडीआरएफ जानी जाती है। हमारे बीच में जो यहाँ पर 3 जो टीम थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, हमारे बीच में हम उनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या अनुभव रहा लखीमपुर के अंदर? लखीमपुर में हमारा जो अनुभव रहा, हमने रात में ऑपरेशन किए, धारा के प्रवाह के साथ में और धारा के विपरीत दिशा में हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया। इतना पानी नहीं आया, ये पिछले 100 सालों का अधिकतम पानी था। उसमें एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, एसडीआरएफ और पीएससी, फ्लड कंपनी, आरएफ और ने हमको काफ़ी सहयोग किया। यद्यपि आरएफ का भी काम नहीं है, क्योंकि जनपद में कई घटनाओं के कारण आरएफ भी थी, आरएफ ने भी काम हमको सहयोग किया, जिसकी वजह से हम करीब 2142 लोगों को विभिन्न स्थानों से सुरक्षित निकाल सके। पूरी त्रासदी में जिलाधिकारी लगातार फील्ड में है और 10 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है, 5 लोग अभी भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा लगातार आपने देखा कि एनडीआरएफ हर टीम लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा।